हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या कहना है, मिला जुला प्रतिक्रिया है। रोड बात खराब, बंद बात शराब, भैया होता डिलीवरी घर घर हो। सुन ला ररिया के खबर हो, अरे भैया सुन ला ररिया के खबर हो। बेरोजगारी बढ़ल हो, भल बिजली घर घर जारल हो। हॉस्पिटल खुदे बेमार बा, शिक्षा स्वास्थ्य भैया लाचार बा। नेता मचाए लूट मांगे वोट घर घर हो। सुन ला ररिया के खबर हो। देखिए आज जनता किस तरीके से उत्साहित है, जोरदार ताली हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब आप देखेंगे वार पलटवार लाइव अररिया से। दरअसल आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसे आप समझिए। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, यानी बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जनता ने तकरीबन तय कर दिया होगा। आप इससे समझ सकते हैं ज्यादातर सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, नेता उनके जवाब देंगे। लेकिन अररिया में आज प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे, फारबिसगंज में। उन्होंने आज यहाँ पहुंचकर क्या कुछ कहा और तेजस्वी यादव ने कैसे बीजेपी पर निशाना साधा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल राजों को सिरे से नकार दिया है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव के लिए मोदी ने आज अररिया से राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा, गरीब के नाम की माला जपने वालों ने लोगों को धोखा दिया और अपनी झोली भरी। गरीब 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 के माला जप करके मूर्ख बनाने के खेल कहने वाले, अपने महल बनाने वाले, चाचा के मामा का बेटा भी खाओ, किसका है माल खाओ, ये लोग कभी आपका दर्द नहीं समझ सकते हैं। उधर राहुल गांधी ने भी मोदी पर पलटवार किया। राहुल ने कटिहार की जनसभा में पूछा, सब कुछ छोड़े मोदी बस ये बताएं कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी जी कहते थे, भाइयों और बहनों, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। नीतीश जी ने भी आपसे वायदे किए थे रोजगार के। अगर नीतीश जी ने अपना वायदा पूरा किया होता, अगर मोदी जी ने वायदा पूरा किया होता, तो बिहार में 2 में से 1 युवा बेरोजगार क्यों है। इधर राहुल रोजगार को लेकर मोदी और नीतीश को घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मधुबनी के हर लाखी में नीतीश पर किसी ने प्याज फेंक दी जब वो चुनावी मंच से रोजगार और नौकरी की बात कर रहे थे। जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग भी हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नंद किशोर यादव, शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई वीवीआईपी ने आज मतदान किया। दूसरे चरण के इस मतदान में लालू यादव के दोनों लाल, तेजस्वी और तेज प्रताप की किस्मत का फैसला हो जाएगा। इसी के साथ नीतीश सरकार के कई मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य भी आज तय हो जाएगा। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में अभी किन दिग्गजों की आजमाइश बाकी है और तीसरे चरण के लिए लोगों का मूड क्या है, आज हम यही टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अररिया से वार पलटवार। और देखिए, जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ, महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है, जिन्होंने मैला आंचल जैसी कालजयी रचना रची थी, जो उन्होंने जो उपन्यास लिखा था, कई फिल्में भी बनी, उन्होंने कई कहानियां लिखी थी और जिस तरीके से समाज को उसमें दर्शाया था उन्होंने, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, चूंकि ये बुद्धिजीवियों की भी नगरी है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आलोक कुमार भगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी के नेता हैं सुरेश पासवान। जेडीयू से आशीष पटेल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। एलजेपी के नेता हैं कुंदन कुमार सिंह और कांग्रेस से मासूम रजा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं।
आप सभी लोगों से मैं बातचीत करूं उससे पहले आरजेडी के नेता से मेरा एक सवाल है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आज मौजूद थे फारबिसगंज में, अररिया जिले में। उन्होंने आप लोगों पर एक टिप्पणी की है, यहां की एक कहावत है उसके माध्यम से। उन्होंने कहा, अनकर धन पाई तो नौ मन तौलाई, यानी कि दूसरे का धन हो तो लूट लो, भ्रष्टाचार का बहुत गंभीर आरोप। तो मैं कहना चाहता हूं रेणु जी के धरती से, आपने जो डबल इंजन की सरकार में 15 साल रहे हो, आपने क्या किए हो? बेरोजगारी बढ़ाए हो, भ्रष्टाचार बढ़ाए हो, रोजगार को खा लिए हो, और मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड में आपके साथ जो किए हैं डबल इंजन की सरकार में, इससे ज्यादा क्या हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने जो वादा किए एक भी वादा बिहारियों के साथ नहीं पूरा किए, इसलिए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो वादा किया वो निभाया नहीं, इसलिए उधर क्यों बात हो रही है। सबसे पहले तो ये आरजेडी के जो लोग हैं, इनको घोटाले की परंपरा विरासत में मिली है, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग जिनको विकास अच्छा नहीं लगता है, जिनको तरक्की अच्छा नहीं लगता है, जिनको शांति अच्छा नहीं लगता है, वो नरेंद्र मोदी पे क्या टिप्पणी करेंगे? अच्छा, इनको विकास पसंद नहीं है जी? विकास पसंद नहीं है? विकास आप लोगों ने किया, जेडीयू ने किया, आपकी सरकार रही है, विकास ही विकास किया। 15 साल पहले देखिए और 15 साल अब देखिए। हम तो लोगों से ये पूछना चाहे क्या नहीं हुआ हमारे जो नेता है माननीय, क्या क्या हुआ यही बता दीजिए आप, ही चार काम बता दीजिए। चलिए, बड़ा काम क्या लगता है आपको, क्या हुआ? रोड, बिजली, हर ऐसा कौन सा परिवार है जिसे माननीय मुख्यमंत्री का पैसा नहीं खाता हो और घर में? सभी लोग नाम है क्यों हाथ हिला रहे हैं उधर पीछे से सारे लोग? अरे चुनाव का समय तो ऐसा ही पब्लिक झूठ बोलेगा, लेकिन हमारे नेता क्या किए हैं वो तो देखने के। आपके कार्यकर्ता नहीं आए कार्यक्रम में? बहुत सारे कार्यकर्ते हैं, हमारे कार्यकर्ता सब हैं। कैमरा 360 डिग्री घुमा रहे हम लोग, सब लोग ना ना कह रहे हैं, क्यों आखिर? जो हल्ला नहीं कर रहे हैं, शांत से बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, और हमारे नेता क्या किए बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो दिखता है जी। रोड है, बिजली है, गाँव में मकान है, कच्ची सड़क है, हर ताकत दिखाइए सुजीत, जरा दिखाइए। जितनी बातें आप कह रहे हैं उस पर लोग विरोध में हाथ हिला दे रहे हैं जी, जितनी बातें आप कह रहे हैं लोग विरोध में हाथ हिला दे रहे हैं, क्या वजह है? ये तो चुनाव का सवाल है, ये तो बोरो प्लेयर है, ये लोग जितना भी है बोरो प्लेयर है। तो अपना कार्यकर्ता भी तो लेके आते हैं जो आपके समर्थन में हाथ हिलाते हैं, कांग्रेस के नेता मेरे साथ हैं। मोदी जी ने आप लोगों पर भी प्रहार किया है कि आप लोग बस अब तीसरे और चौथे पायदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार यूपी जैसे राज्य में। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी जो बोलते हैं वो सरासर झूठ बोलते हैं, मुद्दे की बात तो नहीं करते हैं। अभी बिहार के अंदर में वो कहां गया स्पेशल पैकेज, उस पर बात नहीं करते हैं। बात क्या करते हैं? बेरोजगार युवाओं की, रोजगार की बात नहीं करते हैं। बात क्या करते हैं? युवाओं को सिर्फ झूठ बोलने की बात करते हैं। मोदी जी अररिया आए फारबिसगंज, तो उन्होंने ये भी कहा, सुन तो लीजिए, उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा राज्यसभा मिला के सिर्फ 100 सीटें आप लोगों के पास है। भैया आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ही देश को बचाया है। ये तो अभी है, ये अभी है, 6 साल से देश को कंगाल कर दिया, ये देश को कंगाल कर दिया, रोजगार बेरोजगारों का लंबी राजधानी मेल कर दिया। क्या बात? एलजेपी कहाँ है फिर जी? एलजेपी किसके साथ है? एलजेपी स्वतंत्र है, एलजेपी चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव तो लड़ा जा रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमारे सब कुछ है, बीजेपी वाले आप लोगों को वोट कटवा कहते हैं। नहीं नहीं, अगर एलजेपी को कोई वोट कटवा कहता है तो यह उसका भ्रम है, भ्रम है। दीपक कुछ इसमें सुनाइएगा जरा, एक बहुत बढ़िया गाना आपने इस पे कंपाइल किया था, कुछ सुनाइए जरा, उसके बाद मैं जाता हूँ लोगों के पास। देखिए नेताजी लोगों का फीचर बता रहे हैं, इलेक्शन के मौसम में मिलने आते हैं, वोट लेके पंछी बनकर उड़ जाते हैं, जनता को सपने वो खूब दिखाते हैं, वादा करके भी ना वापस आते हैं। नेताजी मेरे यारा ये याद रखना, तुम याद रखना इसे भूले न जाना, ओ मेरे नेताजी लौट के आना, छोड़ के न जाना तुम।
छोड़ के ना जाए। बताइए नेताजी लोग वोट के आते हैं कि नहीं? मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, सबके पास आऊंगा। चलिए यहाँ से बोलना शुरू कीजिए जरा फटाफट, जल्दी जल्दी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आज युवा डिग्री लेकर रोड में भटक रहे हैं, ठीक है। 10 लाख रोजगार हमने तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो जेडीयू वाले पूछते हैं कि 10 लाख नौकरी कहाँ से आएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं 17 लाख नौकरी देंगे, आप बोलिए बीजेपी से सवाल पूछिए वो 17 लाख नौकरी कहाँ से देंगे। सर यहाँ पे सर सबसे बड़ी मुद्दा ये है, आप छोड़ के बात करिए। सर आप जो स्टेडियम में आए हैं, ये खेल का स्टेडियम है, इन सभी नेताओं से पूछिए कितने कोच दिए हैं और खेल का कितने बार इसने प्रैक्टिस करवाया। आज तक ये स्टेडियम सिर्फ बन के रहा है, ना कभी खेल का आयोजन हुआ है। सभी नेताओं से सवाल है, सभी नेताओं से आपका सवाल है। ये इधर आइए आइए मैडम, कुछ कहना चाह रही है क्या? इधर आइए, आइए आइए बोलिए, कुछ कहना चाह रही है हम लोग। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती है, जो हम लोगों को शिक्षा में बढ़ोतरी मिली है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, हम लोगों को हर तरीके से हर संभव कोशिश की गई है कि हम महिला सशक्तिकरण आगे बढ़े। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि हम लोगों को इतना अधिकार दिया गया है और इस लायक बनाया गया है कि मतलब आप कह रही हैं कि जो मौजूदा सरकार है जेडीयू बीजेपी की, उसमें आप लोग के लिए काम हुआ है? जी बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। चलिए मैं आता हूँ और भी लोगों के पास। हाँ बोलिए। हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दारू बंद कर दिए हैं, बोलने की और आर्थिक स्थिति बिहार का जर्जर बना दिए हैं, जबकि दारू 200 का दारू 1000 में मिलता है, होम डिलीवरी मिलता है, आपको चाहिए तो बोले अभी कोई भी मंगवा देगा, इसलिए ये दारू बंद करके लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 15 साल पहले क्या ये माता बहने यहाँ आ सकती थी? ये नहीं आ सकती थी, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की देन है। ये माता बहने रात में आज स्टेडियम में प्रोग्राम देखने आई है। जेडीयू वाले भाजपा वाले वो लालू का 15 साल का ही हिसाब क्यों मांग रहा है? वो अपना हिसाब देगा जो वो काम किया है। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा COVID-19 का समय है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क पहरा लगा लें। माइक मत पकड़िए अपनी बात। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अल्पसंख्यक के लिए किया, आज तक बिहार के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया है। वो डाटा उठा के देख ले। हाँ और इसने उस्तानिया फोकानिया मुस्लिम जितना सारे मदरसा को नौकरी देने का काम किया, इसको नौकरी देने का काम किया उस्तानिया फोकानिया वाले को, सेविका सहायिका में मध्यान्ह भोजन चलाया, और ये नीतीश कुमार जी हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री है। बोलिए क्या कह रहे सर? जदयू के नेताजी से मैं पूरा सहमत हूँ। जदयू ने किया मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, दरभंगा शेल्टर होम, मधुबनी शेल्टर होम, और सर जदयू ने किया हमारे प्रवासी मजदूरों को मरने छोड़ दिया, 1400 किलोमीटर पैदल आना पड़ा, और जदयू ने किया दंगाइयों को बिहार की बुद्ध की भूमि सौंप दी, ये जदयू ने किया। मुख्यमंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया? नीतीश कुमार ने हर दंगा होने से बिहार को बचाया। नीतीश कुमार ने क्या किया क्या नहीं किया? एक या थाना जलाई। माइक मत पकड़िए, सबको मौका दो। नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया क्या किया ये तो बिहार वासियों को पता है। मैं लोकल मुद्दे पे आता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ अपने राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता से, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, कि आप जिस जगह यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं 2017 के बारे में, यहाँ कमर भर से ज्यादा पानी था, कहाँ थे हमारे विधायक जी? पूरे अररिया के वासियों ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। सर मैं ये 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ मोदी जी का? पूछिए बीजेपी वाले से, पूछिए बीजेपी वाले 2 करोड़ रोजगार क्या हुआ? देखिए यहाँ पे सारे लोग राज्य और राष्ट्र लेवल के मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र मुद्दों से आपको अवगत करा रहा हूँ। यहाँ पर लगभग 3 लाख की आबादी में एक सदर अस्पताल है, उस सदर अस्पताल में बेहतर डॉक्टर नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, और बाढ़ ग्रस्त हमारा इलाका है। यहाँ पर 2017 की आबादी, 2017 की तबाही आप देख लीजिए और सुन लीजिए। एक मिनट यहाँ पर, एक मिनट रुकिए। आप लोग क्यों उलझ रहे हैं आपस में क्यों उलझ रहे हैं? आपस में मत उलझिए, अपनी अपनी बात रखिए, आपस में मत उलझिए, अपनी अपनी बात रखिए, शांति के साथ बोलिए। क्या है ये कागज, क्या है आपके हाथ में?
क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप लोग शांत हो जाइए, मैं अररिया का मैनिफेस्टो बोलिए तो क्या है कागज में? ये जनता का मैनिफेस्टो है, अररिया की सिविल सोसाइटी ने मिलकर जनता का मैनिफेस्टो रखा है। अररिया का जो मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे, सभी प्रत्याशी को हमने इसे साइन करा लिया है। कहीं न कहीं आप लोग मुद्दे पे बात करने के लिए आते हैं तो सभी लोग गौर से सुनेंगे, तभी हम अररिया मुद्दे बात रखेंगे। पहला मामला है 1978 से अटके महानंदा बेसिन परियोजना को शुरू करना और बाढ़ और सिंचाई की समस्या का समाधान करना, नशा मुक्ति। आपस में क्यों उलझ रहे हैं आप लोग भैया, शांति रखिए ना, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है आपको? रैली थोड़ी है। नशा मुक्ति सप्लाई चैन तोड़ना तथा नशा मुक्ति केंद्र का सुचारू संचालन करना। आप क्यों पकड़ रहे हैं, आप क्यों हाथ पकड़ रहे हैं मेरा? मैं खुद चला जाऊंगा ना, आप अपनी बात रखिए। पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाना, महसा कोल झमटा पुल, रामपुर पुल, मोहनपुर पुल, रेलवे स्टेशन रोड का प्राथमिकता के आधार पर। समझ गया, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ समस्याएं। भाई अपनी जगह पे रहिए, मैं सबके पास आ रहा हूँ। मेरा मुद्दा सवाल ये है कि 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होता था, 5 साल में कंप्लीट होता है, तो सबसे पूछिए कि 2 साल का जवाब दे, सारे युवक युवतियों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। जवाब दीजिए, रोजगार तो छोड़िए, समय पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जवाब दीजिए। बीजेपी से और जेडीयू से दोनों से सवाल है, समय पर सत्र भी नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पे पूर्व के जो हमारी सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के द्वारा 13 जिला पे एक यूनिवर्सिटी था, मधेपुरा यूनिवर्सिटी, और आज यहाँ पे किशनगंज और पूर्णिया 2 यूनिवर्सिटी बनाया गया है और उसमें सुधार कर दिया गया है। कर दिया गया, लेकिन सर 15 साल बहुत होते हैं, 1.5 दशक होता है 15 साल। 1.5 दशक के बावजूद, सत्ता में रहने के बावजूद आप लोग व्यवस्था क्यों नहीं बना पाए कि छात्र समय पे कम से कम पढ़ाई तो पूरी कर लें, सेशन तो रेगुलर हो? शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, हर जगह कॉलेज है, स्कूल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल। और क्या, मैं इनसे बात करवा देता हूँ, एक मिनट, क्या बोल रहे थे आप, इधर आइए, बोलिए। ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स 5 साल में कंप्लीट होता है, सबका भविष्य बर्बाद कर देगा। क्यों होता है 3 साल का कोर्स 5 साल में क्यों कंप्लीट होता है? ये पहले होता था 3 साल का 5 साल में, अभी टाइम से होता है 2 साल का 2 साल में ही होता है। वो गलत बोल रहा है, पहले क्या ये लोग गलत बोल रहे हैं? देखिए हमारे नीतीश कुमार जी के जो प्रवक्ता साहब है उनसे हम पूछते हैं कि 3 साल में होता है, मगर कब होता है ये बता दें हमको, ये बता दें हमको। ये जो बेरोजगार जो बोल रहे हैं, ये अररिया की नौजवान, ये कल की भविष्य है, इसने एक सवाल किया नीतीश कुमार जी के, जो जिला के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं वो नहीं बता पाए। शिक्षा की बात सर, यहाँ के सिस्टम में एग्जामिनेशन जो होता है 2014 में बिहार SSC निकाला वैकेंसी। आपने रात में काला चश्मा क्यों लगा लिया है? अच्छा, अभी तक जो है एग्जाम उसका नहीं हुआ 2014 का, और इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन जो है ये लोग 30 दिन में जो है खत्म कर देता, रिजल्ट निकाल देता है, और जो हम लोग वैकेंसी जब निकालता है। वो बोल रहे 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा होता है, जो बच्चा 14 में एडमिशन लिया है उसका 19 में फाइनल ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, और हर वैकेंसी BPSC का पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, सोचिए सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल है ये। बोलिए, सुनिए एक मिनट, अब मेरा आप तमाम लोगों को सर वहाँ पर स्टेज पर बुलाएं, एक पार्टी के दो दो लोग हैं गठबंधन के, मैं AIMIM से हूँ, उसी पार्टी से जिसको सबसे ज्यादा मीडिया सुनना चाहती है, और आप अपनी बात रखिए, भाषण मत दीजिए, अपनी बात रखिए ना, छोटे में बात रखिए, अब आप यहाँ पे नेता बनने लगे ऐसे थोड़ी होता, अपनी बात रखिए। मैं कहता हूँ मुद्दा क्या है, बोलना क्या चाहता हूँ? मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, हमारे दीपक भाई ने एक गाना गाया, मैं बता दूं कि जिस दीपक भाई ने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था मुजफ्फरपुर में बिहार आइडियल में, मैं उसका Season 2 का विनर हुआ, अमीर रंजन जी ऑर्गेनाइज किए थे। एक मिनट, दीपक भाई ने गाना गाया था, मैं भी गाना गा के जदयू और कांग्रेस को जवाब देना चाहता हूं। परवासी परवासी जाना नहीं मुझे छोड़ के परवासी मेरे यारा लौट के आना। ले लीजिए, आप लोगों को प्रवासी कह रहे हैं ये लोग, बस किसी एक ही सीजन के लिए आते हैं क्या? इस अररिया की धरती पे BJP के कार्यकर्ताओं ने प्रवासी का सेवा किया है, किसी अन्य दल का कोई लोग नहीं किया, हमने पानी दिया, हमने भोजन दिया। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जब उनकी पहली पारी थी लालू जी की तो सामाजिक न्याय उन्होंने दिया, अब तेजस्वी को मौका मिला तो आर्थिक न्याय देंगे। उनका तो ये बड़कपन है कि बड़बोला है, वो जो भी वादे जो भी बोलते वो सारा झूठ बोलता है, नम्मी फैल क्या दूसरों को बताएगा कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। एक देखिए इंजीनियर और यहाँ नम्मी फैल, ये क्या देगा सरकार?
ठीक है, मैं आता हूँ, इस पर जवाब लूंगा, लेकिन दीपक कुछ सुनाइए जरा। जी देखिए, अभी बीजेपी और जदयू दोनों में गठबंधन है, उधर लोजपा बाहर है, लेकिन क्या कहना है सुनिएगा। अभी इलेक्शन से पहले बीजेपी और जदयू का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और इलेक्शन के बाद नीतीश जी क्या कह रहे हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जी गीत के साथ ये जो पॉलिटिकल सटायर है, तो एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के अररिया से आप देख रहे हैं वार पार्ट वार लाइव। अब देखिए अररिया की जनता मेरे साथ मौजूद है, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, कई सवाल हैं। मैं जब यहाँ पर पहुंचा हूँ अररिया में, मैंने क्या देखा है, एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ लोगों से बातचीत होगी और जो नेता हमारे साथ मौजूद है अलग अलग दलों से, उनसे हम जवाब लेंगे। ये रिपोर्ट देखिए पहले। अररिया का ये स्टेशन रोड है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, और आपको मैं बता दूं कि दरअसल ये फणीश्वर नाथ रेणु महान जो साहित्यकार हुए उनकी भी धरती है, स्वतंत्रता सेनानी रामधारी तिवारी की ये धरती है, और कई ऐतिहासिक महत्व की यहां पर जगह हैं, जैसे बसेटी शिव मंदिर है, ऐतिहासिक मदनेश्वर नाथ धाम है, ऐतिहासिक सुंदर नाथ धाम मंदिर यहां पर है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों को विकास की दरकार थी वैसा देखने में नहीं मिलता है। जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो टूटी सड़कें मुझे नजर आई हैं, शहर के अंदर गंदगी बहुत ज्यादा है, इस इलाके में बाढ़ से भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने अब तक कोई दूरगामी नीति नहीं बनाई है बाढ़ से निपटने के लिए, ऐसे में किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से बात की जाए तो मैं और दीपक जब घूम रहे थे कुछ अस्पतालों में हमने देखा तो बदहाली बहुत ज्यादा है, दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के वक्त जिस तरीके के इंतजाम होने चाहिए यहाँ अस्पताल में ऐसा हमें कुछ भी नजर नहीं आया। अब चूंकि यहाँ पर हम मौजूद हैं दीपक, तो कुछ तो आप सुनाइए। बिल्कुल, हम चूंकि ये आखिरी पड़ाव है हमारे पूरे चुनावी सफर का, तो एबीपी न्यूज के साथ, तो क्या कहना है, एबीपी न्यूज संगे पूरा बिहार घूमनी, आ जोड़े जोड़े भैया की लेस संगे हम चलनी, अरे चलनी भाई रहिया डगरिया, आज पहुँचनी हम अररिया भैया, आज पहुँचनी हम अररिया। जी हाँ, अररिया हम पहुंचे और अररिया में हमने जो देखा अपनी आंखों से वो रिपोर्ट हमने आपको बताई है। तो ग्राउंड जीरो से इलेक्शन पर ये सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और सीधे हम आप जनता से मुखातिब होंगे। मैं सबके पास आऊंगा और जरा बताइए अररिया के मुद्दे क्या हैं, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, कुछ महिलाएं भी बोलिए, अररिया के मुद्दे क्या क्या अररिया का, एक मिनट सर, अररिया का मुद्दा वही है कि हैदर यासीन साहब के घर से लोग आए हैं, जो मुद्दा हैदर यासीन साहब ने उठाया वो मुद्दा राशिद अनवर उठाएगा, अररिया की जरूरत है राशिद। कुछ कहना चाह रही हैं आप लोग? जी खुश है, बिल्कुल खुश है, नीतीश जी ने पूरी गली गली नालियां बनाई। एक मिनट, एक मिनट मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश में शराब बंद हुआ है, शराब पी के आते थे, अपने परिवार को मारते थे, पीते थे, वो सब जिल्ला होता था, अभी शराब बंद किया गया है, वो सबसे बड़ा काम किया गया है, और आजकल लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत सारी सुविधा मिला है, सुविधा मिला है, इस साइकिल मिली ही जो लड़कियां पढ़ के मतलब जाती है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है जिसके लिए लड़कियों को महिलाओं को बहुत लाभदायक मिला है, सबसे बड़े काम कर रहे हैं। माइक को हाथ मत लगाइए। पहली बात ये जो बोलता है कि रोजगार देने का काम किया, क्यों रोजगार नहीं दिया, डिग्री दिखाओ नौकरी लो, ऐसा नौकरी दिया, वो बोलता है कि पले पले चक्कर ऐसा देखो नौकरी दिया, रोजगार नहीं है, सब एक जो आएगा सरकारी नौकरी देगा। हो गया, एक मिनट बोलिए सर, यहाँ
पे महानंदा बेसिक मत पकड़िए ना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। अरे मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अररिया में महानंदा बेसिक को क्यों रोका गया, 600 करोड़ का मेन मुद्दा ये है। सबसे बड़ी बेरोजगारी, हक्का मुक्की मत कीजिए, हाथ मत लगाइए, दूरी। मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि बेरोजगारी इतनी बड़ी, पीछे चलिए बेरोजगार पड़े हुए, पीछे चलिए पीछे चलिए, हक्का मुक्की मत कीजिए, पीछे चलिए, बदमाशी मत कीजिए, ऐसे नहीं होगा, छीना झपटी मत कीजिए, अपनी बात रखिए आराम से। मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि बेरोजगारी इतनी बड़ी भी है, पीएचडी वाले बेरोजगार है, तो बिहार में डोमिसाइल कानून क्यों नहीं लागू कर, हक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं यार, अपनी बात रखिए ना आराम। मांगे रोजगार किसान का उचित, किसान रोजगार, युवा मांगे रोजगार, जो नीचे युवा नहीं कर पा रहे, हक्का मुक्की मत करो, चलो ऐसे नहीं होती है बहस, आपको पता है कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, हक्का मुक्की कर रहे हैं, हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, क्या तरीका है, माइक खींचने की कोशिश करते हैं आप लोग, मैं माइक दे रहा हूं, माइक को हाथ मत लगाइए। सर मैं मुद्दे की बात करूंगा, सर मुद्दे की बात लगता है जो भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने कल अखबार नहीं देखा, मैं उसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कितने एयरपोर्ट और कितने रेलवे स्टेशन अडानी के हाथों में दे दिया, इतना बता दीजिए। और दूसरी बात ये करूंगा मैं कि, सर दूसरी बात ये करूंगा कि बिहार में कॉलेज है सर, कॉलेज है यहाँ पे, कितने कॉलेज में पढ़ाई होती है सर। सर इस चुनाव में सबसे खुशी की बात ये है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़ करके, मुद्दे को छोड़ के कम से कम बेरोजगारी का मुद्दा तो उठा है, सबसे खुशी की बात तो ये है, बेरोजगारी पर तो कोई ना कोई सवाल कर रहा है, तो इन लोगों को जवाब देनी चाहिए। नीतीश कुमार किधर पलटने वाले हैं इस बार, सर हमारे, अरे उनका सर क्यों पकड़ के दबा रहे हो यार, बोलने दो ना, आप ही के दोस्त यार हैं जी। सर हमारी मुद्दा है ये है, हमारी मुद्दा ये है कि ये पूरा बेरोजगारी बढ़ गई है, पूरा एकदम पलायन जो लोगों का जो हुआ, इतना दुखद घटना हुआ है, जिसके लिए हम लोग सरकार से ये कहना चाह रहे हैं इसका एकदम सही सोल्यूशन करें। और बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है, पीएम मोदी 2014 में अररिया आए थे, बोला था कि आप लोग मुझे एक मौका दीजिए, मैं सूद ब्याज के साथ अररिया का विकास करूंगा, आज तक महानंदा बेसिन पे एक पैसा दिया नहीं दिया, महानंदा बेसिन पे, महानंदा बेसिन का क्या हुआ, महानंदा बेसिन का क्या हुआ, महानंदा बेसिन से ज्यादा जरूरत इस जिला में 80 नदी ऐसा है जिस पर बांध और 664 बड़ा पुल का काम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इनको तो चाहिए महानंदा बेसिन, और कहने का कुछ है नहीं, ये चुनावी मुद्दा, अरे बिहार में बाहर है, अररिया में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। अच्छा ये बताइए, जो बात बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर आप लोग सत्ता में आए तो एक बार फिर से रंगदारी जो है, किडनैपिंग है, उसका उद्योग शुरू हो जाएगा, आप लोगों ने किया क्या था उन 15 सालों में, क्या लगता है आपको? देखिए 15 साल में हम लोग ने यही किए, आम जनता गरीब दुलवा जितने भी दलित है मुंह आवाज देने का काम किए, 15 साल का लालू राज में जनता को कहते थे मालिक है और अफसर को कहते थे नौकर है, ये डबल इंजन की सरकार में जनता को कहते हैं नौकर है और अफसर को कहते मेरा बाप है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि दरअसल परिवारवाद को सिर्फ आप लोगों ने बढ़ावा दिया, जनतंत्र की हत्या की। हमारे माननीय मारूफ तसलमुद्दीन साहब जो बेसिक का मामला था, यूपीए सरकार से फंडिंग भी कराए थे, और नीतीश कुमार जो है मूसा के बांध में लगा दिए, आज तक पता। बार बार आप लोग जंगल राज क्यों कह रहे हैं जी, बार बार जंगल राज क्यों कहते हैं इन्हें आप, आरजेडी वालों को? 15 साल जो पिछला हुआ उसको हम लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं, इसलिए बार बार कहते हैं। कह रहे हैं कि 15 साल उनका तो नहीं भूल पाए, लेकिन अपना 15 साल लगता है भूल गए, अपने 15 साल का हिसाब किताब देते ही नहीं है आप। 15 साल का हिसाब देंगे आप? पटना से यहाँ आते थे पहले आने में 10 घंटा लगता था, आपका आने में आपको 4 घंटे लगती है, ये हमारे नीतीश कुमार का जो कार्य किया हुआ है, अब की बार 200 पार, इस बार जो आएंगे बचा कुचा सारा काम हो जाएगा। सर ये जो मुद्दा देख रहे हैं, ये मुद्दा मैं अपने साथियों को ये वचनबद्ध देता हूं कि अगर हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले अररिया की जो मुद्दा है उसको मैं विकास करूंगा, और मैं अपने भाषा में सर आपसे एक चीज हम बोलना चाहते हैं, जो लैंग्वेज है, ए भैया थोड़ा सिर्फ, अरे 15 लाख टका भेजल घन मोदी जी हो, अरे 3 करोड़ आदमी को रोजगार दिलखन हो, जब नहीं दिलखन तो इकरा से पूछो कि भैया मोदी जी। मैं पूछता हूँ दीपक आ रहा हूँ। देखिए ये चुनाव, हाथ मत लगाइए, हाथ कौन लगा रहा है? देखिए लोजपा और बीजेपी का जो ये लव ट्रायंगल चल रहा है जदयू के साथ, इस पे कुछ कहना है?
अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी मोहब्बत की कजा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कजा होती है। आंख उठी मोहब्बत ने अंगराई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। एलजेपी वालों से सवाल है, कुछ सौदा हुआ है क्या, कुछ सौदा हुआ है क्या बीजेपी से, कुछ सौदा हुआ है क्या, आरोप लगा रहा है विपक्ष। सौदा करने की जहां तक बात है, अगर सौदा होता तो निश्चित रूप से अभी तक उजागर हो चुका होता। हमारे प्रत्याशी को, या मैं चुनाव अभी करता हूं उनका, तो एक बात बताइए ना, आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ जेडीयू वालों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जी नहीं, ऐसा ज्यादातर सीटों पे मैं बता रहा हूं ना, 135 सीटों पे लड़ रहे हैं, 113 तो जेडीयू के खिलाफ है। देखिए सर, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, हमारे प्रत्याशी जो हैं पिछले 35 वर्षों से लगातार गरीब गुरबों के लिए 2400 घंटे खड़ा रहने का काम किए। क्या जेडीयू को लगता है कि कुछ खेल चल रहा है, बीजेपी के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं जेपी वाले? नहीं है, हमको तो नहीं लगता है, ये अलग स्वतंत्र है, हम लोगों से इनकी कोई ताल्लुकात नहीं है, ये अलग आपका तो नहीं है, तो सबको पता है बीजेपी के साथ कह रहे हैं लोग, बीजेपी के साथ तो दिक्कत है कि आपका नहीं है, वो तो लोग कह रहे हैं। ये झूठ बोल के पब्लिक को बरगला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अलग है, हम लोग और बीजेपी चार बीआईपी और आपका एक साथ गठबंधन, और हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, अब की बार 200 पार। ठीक है, अब आप लोग अगर शांति बनाइएगा, थोड़ी शांति 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 बनाइए, शांति बनाइए, तब मैं आ रहा हूँ। अररिया में मक्का होता, मक्का फैक्ट्री क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है अररिया। बोलिए भैया, आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए, ये गलत बात है, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, ये गलत चीज है, शांति बना के रखिए, सभी को मैं मौका दूंगा, सबके पास आऊंगा मैं, आपस में कल को सबको दोस्ती ही करनी है, आसपास के रहने वाले हो सभी लोग, एक दूसरे के पड़ोसी हो, क्या फायदा इस तरीके से लड़ने से। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाइए, आपस में भिड़ जाइए, नेता सब फिर एक ही हो जाएंगे, फालतू में जान दे रहे हैं आप लोग, अपनी अपनी बात रखिए शांति के साथ, ऐसे में कार्यक्रम नहीं होगा, शांति बनाइए। नहीं नहीं, पहले शांति बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए, मैं आता हूं सबके पास, लेकिन पहले शांति बनाइए, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मास्क वगैरह लगाइए, ऐसे नहीं, ये गलत बात है, मैं सबको मौका दे रहा हूं ना, अगर मैं किसी के पास ना आ रहा हूं तो बात है, ठीक है, अब आराम से जो चाहे वहीं पर रहेगा, मैं आ रहा हूं, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, शांति बनाइए, नारेबाजी नहीं, शांति फिर ऐसे भैया, ये गलत बात है, वहीं पर रहो आप, वहीं पर रहो। एक सवाल, सीमांचल बेसिक पे जो कोई काम नहीं हुआ, और जो है नीतीश कुमार की सरकार 15 साल रही, लेकिन लोगों को बेरोजगार बना दिया, भगोड़ा करने में रख दिया, इसीलिए माइक को पकड़ के छीन, चाहते हैं कि तेजस्वी का माइक मत छीनो भैया, माइक मत छीनो, इस तरह से माइक छीनोगे गलत बात, आपकी बात होगी, आपको पकड़ गया। दो करोड़ तो मिला नहीं सर, 17 लाख देने का वादा है सर, हम लोग को 10 लाख पे यकीन है, आरजेडी जिंदाबाद। नीतीश कुमार 15 साल से जंगल राज पार्ट टू लेते हैं, हाथ पकड़ना माइक छीनना क्या तरीका है ये। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तेजस्वी यादव का मुद्दा है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि माई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव, तो मुस्लिम उसका खुद कहना है तेजस्वी यादव जी का कि मुस्लिम 18% और यादव 12%, तो 12% में आप सीएम का दावा और मुसलमान आपका वोट किया, तो आपसे उप सीएम डिप्टी सीएम का नोटिस क्यों नहीं करते। मैं जवाब ले लेता हूँ, आरजेडी के नेता से जवाब ले लेता हूँ, इधर आइए भैया, क्या कह रहे थे, इधर आइए, इधर आइए, किससे सवाल है आपका, किससे सवाल है? मेरा आरजेडी से सवाल, मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव का कहना है माई समीकरण मुस्लिम और यादव, मुस्लिम 18% और यादव 12%, तो जब 12% में आप सीएम का दावा करते हैं तो 18% वाले का डिप्टी सीएम का क्यों नहीं घोषित करते। ये कह रहे हैं दरअसल जो जाति और धर्म की राजनीति होती है, हालांकि उसकी कोई हम लोग मुखालपत ही करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मुसलमानों को भी आप लोग साथ लेकर चल रहे हैं तो उनको प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं देंगे। देखिए, हमारे माननीय भविष्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्लियर शब्दों में बता दिए हैं,
AMY ही नहीं A to Z की पार्टी है। सबो जाति धर्म को जगह दिया गया है, जिसके चलते मैं दलित समाज से जिला अध्यक्ष बना हूँ, आपके सामने में हूँ। और हमारे भविष्य के जो मुख्यमंत्री जो 10 तारीख के बाद फाइनल बनने जा रहे हैं, जितने भी समस्या है सबों का समाधान किया जाएगा। लोग क्यों कहते हैं कि जाति की राजनीति करते हैं RJD वाले? निश्चित तौर पे करते हैं, तब नहीं यहाँ 6,18,000 अभी बीते लोकसभा में वोट हमको आया और 2,00,000 से ये हारे। जनता का समर्थन हमारे साथ है और राज ये करेंगे, ये पहले वाली समय नहीं है। दीपक हाँ। देखिए, इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी का सरकार नहीं बना तो उसका क्या अंदर से दर्द है सुनिएगा। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। चिराग बोल दिया आपने, कैसे? कोई चिला, चाहे चिराग हो, लालटेन हो, चाहे मोमबत्ती हो, चाहे तीर हो, चाहे कमल हो, किसी की भी बात, किसी भी पार्टी की सरकार जिसकी ना बने उसके लिए। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठना था जहां जा बाहर का ये दुनिया ये। साथ अररिया से हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त कर रहे हैं, कल पूर्णिया के लोगों से मुलाकात होगी, पूर्णिया से जरूर देखिएगा, शाम 6:30 वार पलटवार।